नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। नगर निकाय चुनाव में प्रदेश में रिकॉर्ड जीत हासिल कर लगातार दूसरी बार नगर पंचायत अध्यक्ष बने अब्दुल रहमान उर्फ शालू भैया और सभी नवनिर्वाचित सभासद को एसडीएम बेहट द्वारा शपथ दिलाई गई। नगर पंचायत बेहट के निकाय चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी अब्दुल रहमान उर्फ शालू भैया ने करीब 5,000 मतों से शानदार जीत हासिल कर भाजपा प्रत्याशी बॉबी कर्णवाल को करारी शिकस्त दी थी। आज का ये प्रोग्राम हमारे अब्दुल रहमान शालू के चेयरमैन के मुंतखब होने के बाद आज इनकी हलफ बरदारी थी, इसमें शामिल हुए और इनको मुबारकबाद देने के लिए और इनके साथ जो दूसरे लोग मेम्बरान का इंतखाब हुआ उनको भी मुबारकबाद देने के लिए शामिल हुए। और ये उम्मीद करते हुए कि जिस मकसद के लिए आवाम ने शालू भाई को और उनके साथियों का इंतखाब किया है। वहीं कानपुर में बजरंग दल के नेताओं का आतंक आए दिन देखने को मिल रहा है। एक दुकानदार को खुलेआम दुकान में घुसकर मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर कैद हुआ है। आकाश यादव नाम का युवक खुद को बजरंग दल का जिला संयोजक बताता है। इसके ऊपर पहले भी मारपीट के मुकदमे दर्ज हैं। इसके बावजूद पुलिस ने किसी भी मामले में आज तक आकाश यादव की गिरफ्तारी नहीं की है। इसके पहले भी दबंग ने अपने 3 दर्जनों से अधिक युवकों के साथ जेके कॉलोनी में युवक कर जानलेवा हमला किया था, जिसमें पीड़ित को गंभीर चोट आई थी, जिसके बाद पीड़ित पक्ष द्वारा मुकदमा दर्ज लिखा गया था, फिर भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं झांसी में जालौन से दुकानों से कलेक्शन कर लौट रहे व्यक्ति को 3 बाइक सवार बदमाशों ने निशाना बनाया और उसकी आंखों में मिर्ची झोंक कर लगभग 19 लाख की रकम से भरा बैग लेकर चंपत हो गए। झांसी और जालौन जिले के सीमावर्ती इलाकों में पड़ने वाले पूंछ थाना क्षेत्र में हुई इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस ने बताया कि प्राथमिक जानकारी से यह पता चला है कि पीड़ित व्यक्ति कूच के कलेक्शन का पैसा लेकर लौट रहा था। इस दौरान 3 बाइक सवार उसके पास आकर रुके और रास्ता पूछने के बहाने व्यक्ति से बात करने लगे। इसी बीच उन्होंने व्यक्ति की आंखों में मिर्ची झोंक दिया और उसका पैसे से भरा बैग लेकर चंपत हो गए। एसएसपी ने बताया कि पीड़ित की आंखों में मिर्ची गिरने के कारण वो कुछ देख नहीं पाया कि बदमाश किस ओर भागे। बदमाशों की धरपकड़ के लिए 3 टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। झांसी जनपद में थाना पूंछ क्षेत्र अंतर्गत शाम को एक घटना हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति जो कोंच क्षेत्र है, जो जालौन में पड़ता है, जालौन जनपद में, वहाँ से एक व्यक्ति से अपना पूरा कलेक्शन का पैसा लेकर हमारा झांसी बॉर्डर एंटर किया है। एंटर करने के पश्चात इनको रास्ता पूछने के बहाने से एक मोटरसाइकिल से जो आए हुए व्यक्ति लोग रोके थे, रोकने के बाद इनको रास्ता पूछते पूछते इनका आंख में मिर्ची डाल दी। वहीं महाराजगंज के NH 730 पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल दोनों घायलों को पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक दोनों युवक महाराजगंज के रहने वाले हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंचने वाले दोनों मृतक युवकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गया था पुलिस के द्वारा एम्बुलेंस से। उम्र लगभग 25 साल होगी, दोनों की 25-26 साल। ये चौपरिया गांव के पास दुर्घटना हुई है और दोनों को पुलिस के द्वारा लाया गया था। इन्हें मॉर्चरी में रखा गया पोस्टमार्टम के लिए। साथ में कोई और भी था उसके जो कार में सवार था? नहीं, एम्बुलेंस उनके साथ कोई नहीं था, एम्बुलेंस चालक था और एक पुलिस के द्वारा लाया गया था। क्या नाम था? डॉक्टर उमेश कुमार मौर्य। वहीं अगली खबर यूपी के संत कबीर नगर से है, जहां पर रास्ते की पैमाइश करने गए राजस्व कर्मियों को ग्रामीणों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। किसने पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो तेजी से अब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पैमाइश करने गए होमगार्ड के जवानों को महिला, युवा और बुजुर्ग लाठी लेकर पीटते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो बेलहर थाना अंतर्गत रमवापुर सरकारी गाँव का है, जहाँ 2 पक्षों के रास्ते के विवाद को राजस्व विभाग की टीम निपटाने के लिए गई थी।
मैदावल अंतर्गत ग्राम रमापुर सरकारी में तहसील दिवस और थाना दिवस के प्रकरण की जांच के लिए राजस्व टीम गई हुई थी और उस पे जो सरकारी जमीन थी उस पे अतिक्रमणकर्ता द्वारा गांव के लोगों से विवाद किया गया और यह भी संज्ञान में आया कि तहसील टीम से उसने बदसलूकी की और वहाँ विवाद काफी ज्यादा किया। तो इसी क्रम में तहसीलदार मैदावल ने बेलर थाने में इसके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त सरकारी जमीन को खाली कराया जा रहा है। वहीं बदायूं में राजस्थान पुलिस ने छापेमारी करते हुए अंतर्राज्य जहर खुरानी गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया है। जो ये शातिर सदस्य राजस्थान के जोधपुर के सराफा व्यापारी को नशा देकर 3 किलो 100 ग्राम सोना लूट लाए थे। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जहर खुरानी गिरोह ने मिलकर घटना को अंजाम दिया। राजस्थान पुलिस ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बदायूं से लौटा हुआ सोना बरामद कर लिया है। राजस्थान पुलिस 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आरोपी की निशानदेही पर सोना बरामद किया गया है। वहीं नगर पालिका परिषद गुरसराय में चेयरमैन जयपाल सिंह चौहान उर्फ राजू ने गुरसराय नगर के सभी पत्रकारों को सम्मानित किया और कहा कि सभी पत्रकार जनता जनार्दन की आम सहमति से मेरा प्रयास होगा कि झांसी को विकास के लिए बहुत तेजी गति प्रदान की जाए। इसके लिए हम सबको मिलजुल कर काम करना होगा ताकि विकास के साथ साथ हर काम में पारदर्शिता बनी रहे और जनता से मैंने जो वादा किए थे उसमें पूरी तरह खरा उतरने का मेरा प्रयास होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आर्थिक संसाधनों को बढ़ावा के साथ साथ मेरा प्रयास होगा कि कोई भी गरीब व्यक्ति पर अनावश्यक कोई कुछ भी न थोपा जाए। पत्रकारों की ओर से वरिष्ठ पत्रकार कुंवर राम सिंह ने सबसे पहले चेयरमैन जयपाल सिंह चौहान को माला पहनाकर सम्मानित किया। कल शपथ ग्रहण समारोह है, आप लोगों का उचित सम्मान हुआ होगा इसलिए हमने ये सोचा कि आज आप लोगों का सम्मान किया जाए। इसलिए आप लोगों नगरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नगरवासियों के लिए जो भी हमने वादे किए हैं हम उनका पूरी तरीके से खड़े उतरेंगे और ये आप लोग फिर पुनः वादा कर रहे हैं कि जो भी वादे किए हैं वो पूरे किए जाए। वहीं बदायूं में लड़की को बहला भगा कर ले जाने के आरोपी को ग्रामीणों ने तालिबानी सजा दी। युवक को गांव वालों ने गले में चप्पल की माला डालकर गांव में घुमाया, साथ ही युवक का मुंह भी काला कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में ग्रामीण युवक के गले में चप्पल की माला डालकर मुंह काला कर पीटते नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस वीडियो वायरल के जाँच में जुटी है। मामला कुंवर गाँव थाना क्षेत्र के दुर्ग्रया का है। वहीं महोबा में नगर निकाय निर्वाचन सकुशल संपन्न होने के बाद निर्वाचन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ग्राम प्रहारी को पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता द्वारा सम्मानित किए जाने को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया, जिसके क्रम में जिलाधिकारी मनोज कुमार की उपस्थिति में अपर पुलिस अधीक्षक सत्यम द्वारा थाने से आए हुए ग्राम प्रहारियों को पुलिस लाइन सभागार में स्वागत किया गया। उक्त रूप से चौकीदार सम्मेलन कर उनकी समस्याओं को भी सुना गया। वहीं महोबा में दबंगों ने दरवाजे के सामने से निकले एक युवक के बेरहमी से मारपीट कर घायल कर दिया। गांव में अपने रौब और दहशत फैलाने के लिए मारपीट का वीडियो इंस्टाग्राम पर भी वायरल कर दिया। इस मामले में पीड़ित की तहरीर के बावजूद अभी तक नामजद आरोपियों पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में पीड़ित ने SP की चौखट पर पहुँच कर न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि युवक दलित समुदाय से आता है। क्या घटना हो गई आपके पुत्र? सर, मेरे बच्चे को बहुत बैरनी से पीटा है, लाठी डंडा। किन लोगों ने पीटा? ये अमन और विजय और कल्लू। किस प्रकार के लोग हैं ये? ये सर बहुत ठाकुर जाति हैं, ये सब लड़ने वाले लोग हैं। आप किस जाति? आप किस जाति? हम सर धोबी हैं। अच्छा, इसकी पूरे मारपीट के मामले को लेकर आपने पुलिस से कोई शिकायत की? जी सर, पुलिस चौकी सुराह में प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन आज तक कोई सुनाई नहीं हुई। सर, मैं विनोद की दुकान पे जा रहा था तो कुछ लड़कों ने मुझे छेंक के मारा है, गाली गलौज दी है। तो मैंने कहा गाली गलौज मत दो, तो वो लोग और मारने लगे, लाठी डंडों से मारा। और माँ चौकी गई तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए मैं हुआ। अच्छा, किस चीज़ से मारा, क्यों मारा? मालूम नहीं सर क्यों मार रहे थे, बस बिना उसको मारा है।
कौन कौन लोग थे जिन्होंने मारा? नमन और विजय। वहीं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार बस डिवाइडर से टकरा गई। डिवाइडर से टकराने के बाद बस में बैठे सवारियों में चीख पुकार मच गई। इस घटना में करीब एक दर्जन सवारी घायल हुए हैं। घटना की जानकारी मिलने पर फतेहाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस द्वारा उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि गोंडा से बस दिल्ली जा रही थी, तभी फतेहाबाद क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ड्राइवर को झपकी लगने से बस का संतुलन बिगड़ गया और बस डिवाइडर से जा टकराई। वहीं पीलीभीत में चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर दलित युवक से ठगी की गई। ठगी करने वाले युवक ने चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए 650 रुपए ठग लिए। साथ ही चरित्र प्रमाण पत्र ऑनलाइन कराने के लिए उसे अलग से 110 रुपए लिए गए। पीड़ित युवक ने जब चरित्र प्रमाण पत्र मांगा तो उसके साथ गाली गलौज की गई। आरोप है कि थाने के सामने बैठकर ठगी करने वाले ऑनलाइन व्यापार क्या करते हैं, शिकायत पत्र लिखने के बदले भी 100 रुपए की वसूली की जाती है। पीड़ित युवक ने स्थानीय पुलिस को लिखित शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। मामला जहानाबाद का है। उसके बाद में बोले मैं बनवा दूंगा तुम्हें। कौन सा प्रमाण पत्र था? अच्छा, फिर कहा बोले 700 रुपये दे तुम बनवा देंगे। बोले तुम्हें कौन था ये? गुप्ता जी। कौन गुप्ता जी, क्या नाम है इनका? नाम है। अच्छा, तो क्या काम करते हैं गुप्ता जी? वो कंप्यूटर काम करते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन तो कितने पैसे लिए आपसे उन्होंने? 650 रुपये। 600 रुपये शाम गए वो ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन कर लेंगे। वहीं हरदोई के मल्लावा कोतवाली क्षेत्र में एक पूर्व प्रधान की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस सहित फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल की। एसपी ने बताया कि पुलिस सभी बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है। मुखिया रह चुके मुर्गा फार्म के मालिक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। ये करवा गाँव है थाना मल्लावा में। इसमें प्रातः सूचना मिली है कि इसी गाँव के राम आश्रय हैं, ये मृत पाए गए हैं अपनी दुकान के सामने। रात में सोए हुए थे, सर पर ईंटें से वार किया गया है आगे और पीछे, जिससे इनकी मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है। अभी पुलिस सभी बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है, रंजिशों के बारे में पता कर रही है और शीघ्र इसका खुलासा किया जाएगा। सर घटना। वहीं बहराइच में पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा द्वारा शांति व्यवस्था के दृष्टिगत दरगाह शरीफ मेले का निरीक्षण किया गया और लगने वाले मेले में शांति व्यवस्था के लिए मेला आयोजकों से वार्ता कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं बिजनौर के वनरेंज में गुलदार का शव मिला, साथ ही गुलदार के पास बाघ के पैरों के निशान मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि गुलदार को बाघ ने निशाना बनाया होगा। वन विभाग ने गुलदार के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं सहारनपुर के शिवा कॉम्प्लेक्स में संचालित होटल सिटी हार्ट पर लोगों ने हंगामे के बाद पुलिस द्वारा की गई छापेमारी में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक युवती को पुलिस ने हिरासत में लिया है। काफी समय से रेलवे रोड और आसपास के इलाकों में स्थित होटल पर गंदे कारोबार की शिकायत पर पुलिस को लगातार मिल रही थी, जिसके बाद उक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं गोरखपुर के डोरियाचक में 3 साल की मासूम को कार ने कुचल दिया। पहिए के नीचे आने के बाद भी मासूम की जान बच गई। तिवारीपुर पुलिस ने कार के नंबर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक डोरियाचक निवासी मोहम्मद समी 3 साल की मासूम मरियम घर के सामने सड़क पर खेल रही थी। इस दौरान एक कार उसे रौंदते हुए फरार हो गई। ये पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। परिवार के लोगों के अनुसार कार के नीचे आने के बाद मरियम अंदरूनी रूप से घायल हो गई, लेकिन उसकी जान बच गई है। लोगों ने बताया कि हादसे को देखने के बाद यह कुदरत का करिश्मा माना जा रहा है। रात में दिल्ली से आए तो पता चला कि 25 तारीख की घटना में एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसका सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब कुछ मौजूद है। उस सबके साथ थाने पर आके लोगों ने दिया, थाने पर से कहा गया चौकी इंचार्ज साहब को दे दीजिए और कोई ना कोई जाएगा। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद ये हुआ कि उन्होंने ऐसे ही भेज दिया इनको कि आप जाइए इलाज के लिए,
और वहाँ जाने पर पता चला वहाँ पर पुलिस वो कह रहे हैं कि जब कहीं चोट वोट लगी है तो जब तक पुलिस नहीं आएगी तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये तब से दो दिन से इधर उधर घूम रहे हैं, आज सुबह कल रात में इनके बच्चे को ब्लड की उल्टी होना शुरू हुई। वहीं रायवाला में गंगा प्रेम हॉस्पिटल की ओर से राजीव गांधी कैंसर संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र दिल्ली के सहयोग से एक दिवसीय चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के क्षेत्र के 116 लोगों ने शिविर का लाभ लिया। कैंसर संस्थान के डॉक्टर श्रेयस सिन्हा मोइना और डॉक्टर तरपिंदर सिंह की टीम ने रोगियों की जाँच की, जिसमें मुँह गला स्तन और गर्भाशय कैंसर के अलावा सुगर बीपी और कोलेस्ट्रॉल की जाँच कर निःशुल्क दवा का वितरण किया गया। हमारा कैंप है ये रायवाला में लगा है इंटर कॉलेज में, और आज हम यहाँ पे तीन तरह के कैंसरों का चेकअप कर रहे हैं। मुंह के कैंसर का चेकअप जो कि मैक्सिमम जेंट्स में पाया जाता है, लेडीज़ में थोड़ा कम पाया जाता है क्योंकि टबैको यूजर्स जो है मेल में ज़्यादा है। दूसरा चेकअप जो हम कर रहे हैं यहाँ पे क्लिनिकल बेस्ड एग्जामिनेशन कर रहे हैं, छाती का क्लिनिकल चेकअप करते हैं जो कि हमारे गायनक आई हुई हैं वो क्लिनिकल बेस्ड एग्जामिनेशन करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के चेकअप के लिए। तीसरा चेकअप हम यहाँ पे कर रहे हैं सर्विकल कैंसर चेकअप, सर्विकल कैंसर चेकअप के लिए जो हमारी टीम राजीव गांधी की आई हुई है यहाँ पे। वहीं पौड़ी में गोविंद वल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी के असिस्टेंट प्रोफेसर मनीषा भट्ट के अलकनंदा नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या करने के मामले में अब पौड़ी पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। दरअसल मृतका मनीषा भट्ट के पति ने कॉलेज के निदेशक वाई सिंह और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट के खिलाफ थाने में तहरीर देकर मनीषा के उत्पीड़न का आरोप लगाया है। आरोप में मनीषा को मैटरनिटी लीव और अन्य लीव लेने पर परेशान करने और प्रमोशन रोकने, साथ ही आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिए परेशान करने के आरोप लगाए गए हैं। जबकि मनीषा के देवर ने बताया है कि वो भी जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज में सेवा दे चुके हैं और वहाँ के उत्पीड़न से वाकिफ है, जहाँ कॉलेज के उच्च अधिकारी अपने कर्मचारियों का शोषण करते हैं। वहीं कॉलेज के निदेशक ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। मामले को लेकर एसएसपी ने एक जांच टीम गठित कर पुलिस और फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए लगा दिया गया है, जिसके बाद फॉरेंसिक टीम और पुलिस टीम कॉलेज में पहुंचकर जांच में जुट गई है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो एलिगेशन लगाए हैं वो उनका कोई आधार नहीं है। जो हमने डॉक्यूमेंट आपको दिखाए हैं उससे ये प्रूफ हो रहा है कि जब जब उस बच्ची ने यहाँ पे अप्लाई किया है लीव के लिए, हमने वो सेम डे पे ही सेंक्शन कर दिए, और उसका कोई भी हरासमेंट मेरी तरफ से या और किसी फैकल्टी की तरफ से नहीं किया गया है। हाँ देखिए, उनके पास कोई उसका एविडेंस नहीं है। वहीं हरिद्वार स्थित हरिसेवा आश्रम में संत समागम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी और पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण समेत बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे। संत समागम में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर चर्चा की गई। सनातनी सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण को लेकर भी साधु संतों ने अपने विचार रखे। इस दौरान डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि संतों की नगरी हरिद्वार पूरे विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है। इसके लिए भाजपा सरकार के राज्य में यहाँ तेजी से विकास हो रहा है। इसके साथ ही सांसद निशंक ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा और कहा कि देश में विपक्ष कहीं नहीं बचा है, छिटपुट दल इकट्ठा होकर उल्टी सीधी बयानबाजी करते हैं जिसका जनता पर कोई असर नहीं होता। मैं ये समझता हूँ कि हरिद्वार संतों की नगरी है और फिर ये विश्व की आध्यात्म की राजधानी है। ये देश आध्यात्म की दृष्टि से पूरे विश्व में राज करता है, तो उसकी जो गतिविधियाँ हैं वो लगातार यहाँ चलती रहती हैं। तो आज हम सभी लोग उनको शुभकामना देने के लिए आए। विपक्ष कौन है? कोई है विपक्ष? और जब विपक्ष नहीं है, विपक्ष होता तो बात करते। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद द्वारा साध्वी गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें धर्मांतरण, लव जिहाद और समलैंगिक विवाह जैसे मुद्दे पर चर्चा की गई। श्री कृष्ण निवास आश्रम में आयोजित इस गोष्ठी में देश भर से आई कई महिला संतों ने शिरकत की।
गोष्ठी में तय किया गया कि सनातन धर्म की सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए धर्मांतरण, लव जिहाद और समलैंगिक विवाह जैसी बुराइयों को दूर करना होगा। इसके लिए आने वाली दीपावली के त्यौहार पर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। साधु संतों के साथ महिला संत भी गांव-गांव जाकर देश की युवा पीढ़ी को जागरूक करेगी और इन सब बुराइयों से दूर रहने की अपील भी करेगी। महिला संतों ने बताया कि धर्म की रक्षा के लिए दीपावली के 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक ये जन जागरण अभियान शुरू किया जाएगा। लोगों को ये बताना पड़ेगा कि इन विषय जो धर्मांतरण जैसा विषय है और समलैंगिक विवाह का जो है विषय है, इन सब विषयों को धर्म के द्वारा या शास्त्र के द्वारा क्या अनुमति प्राप्त है, किसे किस तरह से हम शास्त्र और संत समाज उसको कैसे हम समाप्त कर सकते हैं, इन विषयों पर चर्चा। हमने अभी अभी संकल्प लिया है, जितने भारतवर्ष के वरिष्ठ संत और साध्वियाँ हैं वो सब दीपावली के 15 दिन पहले और 15 दिन के बाद अपना पूरा समय देंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।